नमस्कार साथियों, आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। नमस्ते। आज एक विशेष बात को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आप हम सबको पता ही है कि पिछले 1.5-2 साल से हम कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसमें हमें कई आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप और हम के लिए अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है हमारे बच्चों की पढ़ाई। अगर हम आर्थिक रूप से किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हो सके कि आने वाले समय में हम उसको रिकवर कर लें, लेकिन जो आज हमारी बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, जो उसको नुकसान हो रहा है, वो शायद हम पूरी जिंदगी उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे बच्चों का जो पढ़ाई का एक रिदम है वो अगर छूट गया तो उस रिदम को वापस लाना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आज हमने पढ़ाई छोड़ दी है और फिर भी हम कोई किसी एग्जाम की तैयारी करने लगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो सिटिंग पावर लाना, वो पढ़ने के लिए याददाश्त को बढ़ाना, वो चीजें याद रखना। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज बच्चों की क्लासें बढ़ रही है, वो हर क्लास में प्रोमोटेड हो रहे हैं। बच्चों की उम्र बढ़ रही है, वो हर साल एक साल में बड़ा हो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों का नहीं बढ़ रहा तो वो बच्चों का जो नॉलेज है वो स्टॉप हो गया है, वो एक खत्म हो गया है। अगर बच्चे इसी प्रकार अगर स्टडी नहीं करते रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई से मोह भंग हो जाएगा और फिर हम चाहे कितना भी मारेंगे, डांटेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे या कुछ भी करेंगे, प्रलोभन देंगे, तो फिर बच्चे को वापस उस स्टडी को उस लाइन में लाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। हमारे लिए कई ऐसी समस्याएं क्रिएट होगी। जैसे बच्चा मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और अब वो जब कोरोना खुलने के बाद में, रेगुलर स्कूल होने के बाद में, वो तीसरी या चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ेगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उस बच्चे को पढ़ना लिखना आएगा नहीं और जो पांचवी क्लास का सिलेबस होगा वो हाई होगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि हम छोटे बच्चों की तरह उसको वापस पढ़ना लिखना सिखाएं या फिफ्थ क्लास का सिलेबस करवाएं। अब अगर हम फिफ्थ क्लास का सिलेबस कराएंगे तो उसको जब कुछ आएगा नहीं तो ठीक है, क्लास में आएगा और जाएगा, और अगर हम उसको वापस शुरुआत से पढ़ाना लग जाए तो जो पेरेंट्स ने ध्यान दिया है, पढ़ाया है बच्चों को, वो तो पढ़ना लिखना सब कुछ जान रहे हैं, वो अच्छा सा कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नुकसानदायक होगा। तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और आज के जो इसमें सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो, और इसमें सबसे बड़ी बात है आज की ऑनलाइन स्टडी। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। पिछले सेशन में भी हमने बिना किसी कोई अतिरिक्त चार्ज या बिना किसी कोई पुरानी फीस जमा कराने का कोई दबाव डालते हुए, ऐसा कुछ नहीं करते हुए, हमने पूरी साल रेगुलर ऑनलाइन क्लास रखी थी, सबके लिए रखी थी, किसी को बंद नहीं किया था, चाहे उसकी फीस जमा है या नहीं है या बाकी है कुछ भी। इस सेशन में भी हम 12 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अब आपकी उदासीनता यहां हमारे लिए नुकसानदायक हो रही है, बच्चों के लिए नुकसानदायक हो रही है। आपको खुद को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई बच्चों की पढ़ाई का आज का एकमात्र जरिया जो बचा है वो ऑनलाइन स्टडी ही बचा है। इसलिए बच्चों को आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है उसको आप अटेंड करवाइए, साथ साथ में बच्चों का एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। जैसे बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, बाहर साइकिल खेलने जाता है, तो ये चीजें सारी जो हैं उसके लिए हैं, तो उसी प्रकार पढ़ाई का भी टाइम उसके लिए फिक्स होना चाहिए। ये कार्य जो हैं, पढ़ाई का टाइम उठते ही बच्चा मोबाइल टीवी नहीं देखे या खेलने के लिए बाहर साइकिल चलाने नहीं जाए, उठते ही उसको आप कम से कम 2 घंटा स्टडी का टाइम सेट कर दीजिए। और ये एक काम अनपढ़ से अनपढ़ पेरेंट्स भी कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की मोस्टली शिकायत रहती है कि हमें तो कुछ जानकारी है नहीं। अब उन बच्चों को पढ़ाना क्या है, आप जो ऑनलाइन कार्य आ रहा वो पढ़ाओ। अगर आपको किसी कारणवश से आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करवा पा रहे हो बच्चों को, तो आप उनको ऑफलाइन कराइए, आप स्कूल से आके मिलिए, आप सप्ताह में एक दिन आप खुद आइए, उन बच्चों को 7 दिन का काम लेके जाइए, 7 दिन के बाद वापिस आके उस कार्य को चेक करवाइए। आप बच्चों को पढ़ाई से टच में नहीं रखोगे तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल होगा।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी क्लासों के बच्चों के लिए हम क्या काम दें, तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक बच्चे को डेली की अगर एक टेबल्स यानी एक पहाड़ा याद करवाए तो भी कम से कम वो 30-40 तक टेबल्स लर्न कर सकता है। आप उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मीनिंग्स याद करवाइए इंग्लिश में सिलेबस की या कोई भी जो है उसको याद करवाइए। रोजाना का कम से कम एक लेसन वो इंग्लिश का और एक हिंदी का वो कम से कम रीडिंग करे, रीडिंग करनी, और कम से कम एक पेज नोटबुक का वो इंग्लिश का भरे अच्छी हैंडराइटिंग से और एक पेज है जो हिंदी का हैंडराइटिंग से भरे, जिससे कम से कम बच्चा नया कुछ भी सीखेगा तो कम से कम वो पुराना तो नहीं भूलेगा। इसलिए हमें बच्चों की स्टडी करवाना बहुत जरूरी है। अभी बुक्स अवेलेबल है, स्कूल में भी अवेलेबल है, और हमारी संस्था ने ऐसा निर्णय लिया है कि पेरेंट्स की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए कि इस साल हम सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई पुराने जो बड़ी क्लासों में बच्चे हैं उनकी बुक्स अगर आपकी यूज आ रही तो आप उनसे ले लीजिए। वहां आपको अगर नहीं मिल रही है तो हमने स्कूल में बुक्स प्रोवाइड कर रही है, न्यू सेशन की नई बुक्स है तो आप वो परचेज कर लीजिए। और जो 8th, 9th, 10th क्लास के बच्चे हैं वो आप मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वो ले लीजिए, या अगले साल के कोई पुराने बच्चे हैं आपके मिलने वाले हैं तो उनसे आप बुक्स परचेज कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि अगर स्कूलें 5 महीने बाद खुलेगी तभी भी आपको बुक्स तो लेनी पड़ेगी और वही रेट में लेनी पड़ेगी, वही खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वही बुक्स आप आज खरीदिए ताकि बच्चों की पढ़ाई है वो एक सुचारू रूप से जारी रहे, क्योंकि जब तक बच्चे बुक्स से दूर हो जाएंगे तो उनको अपनी स्टडी याद नहीं आएगी। और प्लीज आप कम से कम है बच्चों का घर पे एक ऐसा डिसिप्लिन बढ़ाएं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, अगर ऐसे एक रेगुलर नहीं हो सके तो कम से कम आप उनको 2 घंटे स्टडी घर पे करवाने की आदत डालें, एक जगह बैठने की आदत डालें। और हाँ, 24 घंटे होते हैं और पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बहाना है बच्चों का ध्यान नहीं देने का, क्योंकि हमारे पास टाइम है। आज भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीमान नरेंद्र सिंह मोदी भी मन की बात के लिए टाइम निकालता है, सुबह वो 1 घंटा योग करता है अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालता है। अगर वो प्रधानमंत्री होते भी अपने लिए टाइम निकाल सकता है तो क्या हम हमारे बच्चों के लिए 24 घंटों में आधा घंटा नहीं निकाल सकते? मात्र 30 मिनट्स इन ए डे। तो ये हमारा एक बहाना है, एक बस हम उस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं और ये इग्नोरेशन हमारे और आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें खुद को नहीं पता है कि ये कोरोना कब तक चलेगा, कब प्रॉपरली स्टडी शुरू होगी, कब बच्चों को प्रॉपरली स्कूल लगेगी। तो क्या कब तक हम ऐसे ही जो है खुश होते रहेंगे कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोटेड हो रहा है? अगर प्रमोटेड होने से ही अगर सब कुछ होता तो आप ओपन बोर्ड से 10वीं करवा दी आप 6th या 7th के बाद में और उसकी मार्कशीट लेके आ जाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप और हम दोनों मिलके इन बच्चों का अभी कितना उपयोग कर सकते हैं समय का, कितना थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी, मैं कह रहा हूं कि अगर उनको कुछ सिखा सकते हैं कुछ पढ़ा सकते हैं तो उस मौके को भी हाथ से मत जाने दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप आके मिलिए स्कूल से, प्रशासन से बात कीजिए, कोई और सुझाव या कोई अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे आके स्कूल में मिलिए, बातचीत कीजिए और ये चर्चा कीजिए, ये प्रयास कीजिए कि किस प्रकार बच्चों के जो फ्यूचर खराब हो रहा है, जो अभी पढ़ाई खराब हो रही है, उनका समय खराब हो रहे हैं, बच्चे मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं, तो इन सब पे हम ध्यान देते हुए बच्चों की पढ़ाई करवाएं आप प्लीज इस पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप ही सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ कर सकते हैं या ना सरकार कुछ कर सकती है, नहीं कोई और कुछ कर सकता है। अभी अगर कुछ कर सकता है तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो प्लीज आप ऑनलाइन स्टडी पे ध्यान दीजिए, अगर ऑनलाइन आपके पास सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन स्कूल में आके आप काम लेके जाइए, उनका चेक करवाइए और बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा हुआ रखें, उनका रिदम नहीं टूटने दें। धन्यवाद।